ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी दैट कि मैं तुझे क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ। और ये क्लास सेवेंथ के लिए है और ये लेक्चर टेन में हम लोग प्रोसीड कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। और अब तक का, यहाँ तक का सफर तय करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं तुझे एक बात बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे फौरन से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि जो कुछ भी मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके स्मार्टफोन पर मैसेज जाए और उसे तुरंत देखें। और अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है, हर एक चीज समझ में आता है, तो लाइक का बटन होगा उसे भी क्लिक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसे सेंड जरूर करना, भेजना भूलना मत। ये तुम्हारा ड्यूटी है। और मैं अपना ड्यूटी कर लूं तो देखो, अरे रुको जरा, अंतिम तक देख लो, अच्छा लगता है तब लाइक करना, पहले ही कॉल ही करने के लिए उतावला हो रहा। देखो, जो टॉपिक मैं डील करने जा रहा हूं उसका नाम है क्या, देखो नाम है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस, लेंस का स्पेलिंग तो सही है ना? ये कहां से लगा दिया? क्लियर है ना जी? क्लियर है। LENS, स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस में हम लोग प्रोसीड कर चुके हैं। जिस प्रकार से मैंने तुझे स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया था और ये भी बताया कि स्फेरिकल मिरर का टाइप्स क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी तरह से मैं तुझे बतलाएगा, सिखाएगा किसके बारे में, ये स्फेरिकल लेंस के बारे में। अगर क्या यही, अगर तुझे स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो सारा का सारा समझ में आया है तुझे, हर एक एक बात, हर एक एक पॉइंट, हर एक लेक्चर को बढ़िया से ध्यान से देखा है, तो मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं कि स्फेरिकल लेंस को भी बहुत आसानी से समझ जाओगे। क्लियर है? इतना तक लगे क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो, स्फेरिकल लेंस में सबसे पहला सवाल आता है कि सर आखिर हम लोग स्फेरिकल लेंस कहें तो कहें किस, क्या मुझे कहेगा? अरे नहीं जी, रुको जरा, तब किसे कहेंगे? स्फेरिकल लेंस हम लोग तब कहेंगे जब कोई एक स्फेरिकल ग्लास हो Which is bonded by two spherical surfaces. जब कोई एक स्फेयर के आकृति के जैसा एक ग्लास हो और दोनों साइड से, ऐसा नहीं कि एक साइड से, मिरर में क्या देख रहे थे कि एक ही साइड से होता था, लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि दोनों साइड से स्फेरिकल सर्फेस से बॉन्डेड हो, तब हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं, सच में वो हमारा स्फेरिकल लेंस ही है। Are you getting my point? अब देखो, मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी ग्लास है, ग्लास है, विच इज, जो क्या है, विच इज बॉन्डेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेस, टू स्फेरिकल सर्फेस, दो स्फेरिकल सर्फेस से वो बॉन्डेड किया हुआ, वो घिरा हुआ, कौन? मैं? नहीं तो कौन? ये स्फेरिकल लेंस जो है वो दो स्फेरिकल सरफेस से घिरा हुआ, तब हम लोग कहें कि नहीं सर, सच में ये एक स्फेरिकल लेंस है। क्लियर होती है जी? अब हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस का क्या यूज है, आखिर इसका यूज कहां करेंगे, ऐसे ही थोड़ी पढ़ेंगे कोई चीज हम लोग, उसका हर एक चीज का यूज देखेंगे कि कहां पे इस्तेमाल करना है, कहां पे उपयोग करना चाहिए, है कि नहीं? पीछे वाला लड़का आवाज जा रहा है ना? क्लियर है? अब देखो, यूजेस ऑफ, बोलो किसका,
स्फेरिकल लेंस। अब स्फेरिकल लेंस का क्या क्या इस्तेमाल है वो मैं तुझे बतलाएगा। लिखेंगे फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। मैं कह रहा हूं कि स्फेरिकल लेंस का कुछ निम्नलिखित इस्तेमाल है, जैसे पहला स्पेक्टैकल्स में, दूसरा इसका इस्तेमाल करेंगे टेलीस्कोप में जी, कैमरास में, चौथा इसका इस्तेमाल करते हैं वीडियो प्रोजेक्टर में। और भी सारा होता है, यहां पे तुम इटी से कर देगा एटसेट्रा। तो ये लिखा क्लियर है ना, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? नहीं समझे? स्पेक्टाकल्स कहने का मतलब हुआ चश्मा में हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, लेंस का। कैमरास जो कोई भी एक कैमरा आता है जिससे खूब पिक्चर क्लिक किया जाता है, चाहे मोबाइल का ही कैमरा क्यों ना, उसमें भी आजकल लेंस आने लगा है। लेंस का ही तो कमाल है जो डिफरेंट प्रकार के फोटोज क्लिक करता है। वीडियो प्रोजेक्टर जो बड़े से पर्दे पर दिखाता है, इतना छोटा सा बॉक्स रहेगा, गोल जैसा रहेगा, बड़े पर्दे पर देखा है ना? हाँ देखा है। ईटीसी यानी कि और भी हो सकता है, और भी बहुत सारा। तो यहां तक तुझे क्लियर है? देख लो मैं इसे मिटा दूंगा। देख लिया? चलो अब इसे मिटाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। अब स्फेरिकल लेंस का क्या प्रकार हो सकता है, कितने टाइप्स है वो जानना है सर। आओ तो देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस क्लियर होता है जी? स्फेरिकल लेंस का क्या क्या प्रकार है, क्या क्या टाइप्स है वो हम लोग देखेंगे। जिस प्रकार से स्फेरिकल मिरर में मैंने तुझे बताया था कि स्फेरिकल मिरर का क्या क्या टाइप्स है, उसी प्रकार से ठीक उसी तरह से मैं तुझे यहां भी दिखलाएगा बतलाएगा कि स्फेरिकल लेंस का क्या क्या प्रकार है, कितने प्रकार का ये हो सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो देखो It is of two types. तो ये ऐसा है कि दो तरह का होता है, दो तरह का स्फेरिकल लेंस जो है वो दो तरह का होंगे सर। क्लियर है जी? क्लियर है? वो क्या क्या हो सकता है?
वो क्या क्या हो सकता है, देखो तो जरा सा समझने का प्रयास करो तो कि क्या क्या हो सकता है। देखो पहला नंबर पर है वो है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं ना, और दूसरा है कॉनकेव लेंस, क्योंकि हम लोग कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए सेकंड नंबर पर होगा कॉनकेव लेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब मैं तुझे बारी बारी से बतलाएगा, समझाएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस आखिर कहें तो कहें किसे, और कॉनकेव लेंस आखिर कहें तो कहें किसे। क्लियर? तो देखो और देखते हैं। देखो सबसे पहला, देखो कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स पहला है ना, कॉन्वेक्स लेंस। तो सर ऐसा है कि कॉन्वेक्स लेंस आखिर कहें तो कहें किस? कॉन्वेक्स लेंस हम लोग तब कहेंगे जब हमारे पास कोई ऐसा स्फेरिकल लेंस हो जो बीच में मोटा हो और साइड में किनारे में पतला हो, तब हम कहेंगे कि वो हमारे पास जो दिया गया लेंस है वो कैसा लेंस है जी, तो कॉन्वेक्स लेंस है। नहीं देखो, ये अभी भी मेरा हाथ को ध्यान से देखने का प्रयास करो और नोटिस करो तो कुछ दिख रहा है? ये देखो तो ये बीच में मोटा जैसा दिख रहा है बीच में, और देखो तो किनारे में पतला होता जा रहा है। नहीं तो ये कॉन्वेक्स लेंस को दर्शाता है। क्लियर है इतनी सारी बात? तो उसे डेफिनेशन में लिखने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे ए टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस विच इज क्या है, ठीक है, विच इज थिकर इन द मिडिल, जो कि बीच में थिकर होगा, मिडिल एज कंपेयर्ड टू एजेस, तब देन इट इज कॉल्ड, तब उसे कहेंगे, क्या कहेंगे कि नहीं सर सच में वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, तब हम लोग कहेंगे कि वो एक क्या है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। स्फेरिकल लेंस, वैसा स्फेरिकल लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारे में पतला हो। एजेस का मतलब होता है, एजेस का मतलब होता है किनारा, EDGE means किनारा। नहीं कभी एज का नाम सुना है? एज का मतलब किनारा होता है, नहीं जानते हैं तो अभी से भी जानिए। क्लियर है? क्लियर। अब मैं एग्जांपल देता हूं, या फिर और डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो और करके भी लिख सकता है। लिख सकता है कि ये ट्रांसपेरेंट लेंस, लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल, जो बीच में मिडिल में थिकर हो, बट थिनर At the edges,
देन इट इज कॉल्ड, क्या कहें हमें, कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे तब उसे जी। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये सब लिखेगा और कॉन्वेक्स लेंस में ये डिफिनेशन लिखेगा, क्लियर है? ये लिखो, मैं मिटाता हूं, मिटा देना। लिखा है ना, इस मिटा दे रहा। कॉन्वेक्स लेंस, वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक करके नोट सारा लिख लेना, हर एक लाइन हर एक डिफिनेशन लिख लेना, उतना टाइम है, मैं हटूंगा फिर तुम लोग लिखोगे, आप लोग एडजस्ट करके लिख लीजिएगा, ओके स्टूडेंट। देखो अब कॉन्वेक्स लेंस में मैंने तुझे डिफिनेशन को लिखा दिया है, क्लियर होता है? दो तरह का डिफिनेशन लिखा, जो पसंद है वो रख लो, अजमा लो, सीख लो, जान लो। अब मैं उसका एग्जाम्पल और फिगर के माध्यम से तुझे समझाने का प्रयास करते हैं। और तो देखो तो डिफिनेशन के नीचे लिखेगा ये एग्जाम्पल्स। देखो एक झलक मैं तुझे दिखलाता हूं कि आखिरकार कॉन्वेक्स लेंस है वो दिखता कैसा है। ये देख लो फिगर है, इसका कॉन्वेक्स लेंस का ऐसा ही दिखता है। क्या नोटिस कर रहे हैं जी कि बीच में जो है वो थीकर है और साइड में क्या है, थीनर है, यही देख रहे हैं ना? हाँ सर यही देख रहे हैं। तो ये एग्जांपल है कॉन्वेक्स लेंस का, ये क्लियर है तुम्हारा कॉन्सेप्ट? या फिर ये जो है वो साइड व्यू ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का साइड से बगल से ऐसा दिखेगा, कौन, कॉन्वेक्स लेंस। तो सर फ्रंट से कैसे दिखेगा? देखो अगर मैं तुझे फ्रंट व्यू दिखाऊं कॉन्वेक्स लेंस का तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्लियर है? कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसा लगा कि जैसे निकला हुआ है, बल्जिंग पार्ट है निकला हुआ सामने से। ये फिगर कैसा है जी? तो सर फ्रंट व्यू ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस ही लिखा है ना? हाँ लेंस लिखा। तो साइड से कॉन्वेक्स लेंस, कोई पूछेगा कि बताओ ये कैसा लेंस है, तो कह देंगे हम लोग कि नहीं सर ये कॉन्वेक्स लेंस है। और ये क्या है? तो ये फ्रंट व्यू ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार से। मैंने ये डॉटेड लाइन इसलिए किया ताकि सच में लगे कि बाहर निकला जैसा है, यही मकसद है इस डॉटेड लाइन को दिखाने का। और कोई मकसद कुछ खास है नहीं, क्लियर है? यहां तक तुझे समझ में आ गया?
अब मैं कौन के भी मिरर की ओर मूव करता हूं। देख लो लिख लिया मिटा है। अब देखो दूसरे टाइप ऑफ लेंस आता है जिसका नाम है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। प्रश्न है कि सर ये कॉनकेव लेंस आखिर है क्या सर? क्या यही प्रश्न होगा ना? तो कॉनकेव लेंस जो है ना वो बीच में थिनर होगा, पतला होगा, लेकिन इसके किनारे पर चौड़ा होगा। नहीं पता चल रहा? कोई बात नहीं। देखो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो तो बीच में गड्ढा टाइप का है, इनवर्ट धंसा हुआ है। देखो अरे ये मत कहना कि सर नॉगिन डांस कहा करने लगे। कौन कौन इसने कहा सोच रहा? मैं समझा रहा हूं जी कि देखो ना ये बीच में धसा हुआ है, पतला जैसा है, और किनारे में देखो तो ये निकला हुआ है कि नहीं, ये चौड़ा हो गया है कि नहीं हो गया। देखो साइड से देखो, देखो बीच में धसा हुआ है जी, और साइड में क्या देख रहे हैं? देखो तो ये चौड़ा जैसा हो गया है, तो यही तो है क्या कॉनकेव लेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसे डिफिनेशन में लिखने का प्रयास करते हैं। चलो लिखते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ, किसका प्रकार है? स्फेरिकल लेंस का। जो कैसा है जी? तो विच इज थिनर इन द मिडिल। सर बीच में तो थिनर है सर। बट थिकर। लेकिन किनारा में एज में चौड़ा है। तब क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। तब हम लोग उसे कॉनकेव लेंस का नाम देते हैं सर। आर यू क्लियर? क्या तुम क्लियर हो? तुम अगर क्लियर रहोगे तो ये भी क्लियर रहेगा, क्योंकि माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वी मस्ट हैव नो एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन इन आवर माइंड। हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जस्ट बी कॉन्सेंट्रेट। ये एक डिफिनेशन होता है। मैंने लिखा है कि बीच में पतला होगा, थिनर इन द मिडिल, लेकिन जो किनारा होगा वो चौड़ा होगा। घबराइए नहीं सर, मैं फिगर से भी आपको बतलाऊंगा, दिखलाऊंगा। और लेकिन आप पसंद करेगा, एक डेफिनेशन से नहीं मन भर रहा? कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। इट इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास। यह एक पारदर्शी शीशा है जी, जो क्या है विच इज थिनर, विच इज थिनर इन द मिडिल। एज कंपेयर्ड टू द एजेस।
किनारे के मुकाबले मुकाबले ये बीच में पतला होता है, कौन? कॉनकेव लेंस। देन इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? कॉनकेव लेंस का नाम देंगे सर कि नहीं? सच में ये कैसा लेंस है जी? तो कॉनकेव लेंस है सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर होता है, स्पष्ट है? एनीवेज, अब देखो मैं तुझे फिगर और एग्जांपल्स के माध्यम से समझा रहा हूं। देखो एक झलक देख लो जल्दी से। देखो इसका जो फिगर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। वो कुछ इस प्रकार से क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि बीच में सच में ये पतला है, थिनर है, नहीं? यहां पे थिनर है ना बीच में, और यहां पे क्या है जी? थिकर है, यानी कि चौड़ा है, बीच में मोटा है, किनारा में मोटा है, और बीच में तो थिनर है ये, यानी कि पतला है ये। और ये जो व्यू देख रहे हैं आप, ये कॉनकेव लेंस का उदाहरण, वो साइड से ऐसा दिखता है, सामने से नहीं, साइड से ऐसा दिखेगा। क्लियर है? तो निर्देश दे रहे हैं कि जो फिगर देख रहे हैं आप सर, वो है साइड व्यू ऑफ, बोलो किसका? कॉनकेव लेंस। ये है वो मत समझियो, कॉनकेव लेंस का ये साइड व्यू है सर। सर फ्रंट व्यू भी बताइएगा, हां क्यों नहीं? कुछ इस प्रकार से, और ऐसे धंसा हुआ रहेगा सर। ऐसे धंसा हुआ रहेगा बीच में, तीर मार रहे हैं, मतलब कि दर्शा रहे हैं कि जो बीच में जा रहा है, यानी कि बीच में धंसा जैसा है। लिख दो थिनर, बीच में थिन रहेगा, पतला रहेगा, और किनारे में मोटा रहेगा, तो सामने से ऐसा दिखेगा, क्या? कॉनकेव लेंस। तो इसका भी निर्देश दे ही दो लगले हाथ कि फिगर जो है भाई साहब वो है फ्रंट व्यू। किसका? तो कॉनकेव लेंस फ्रंट से ऐसा दिखता है, ये स्पष्ट होता है, ये क्लियर होता है जी? तो इसे तुम लिखेगा, मैं इसे मिटा दूंगा नहीं तो, देख लो। क्लियर है? स्पष्ट है? टाइम देख लो जी, मैं तो स्टूडेंट लोग वेट कर रहा हूं ना। अब देखो मैं तुझे कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है उसे मैं कुछ लिखाता हूं, ओके? नो प्रॉब्लम, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसे मैं चाहता हूं कि लिखा दो, तो नोट में लिखेगा, नोट में।
नोट में। देखो चूंकि हमारे पास यह स्फेरिकल लेंस है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या? यही कि जानते हैं सर, इससे लाइट रेस रिफ्लेक्ट करेगा और पार देखेंगे किससे? लेंस से। जबकि स्फेरिकल मिरर के केस में हम लोग और पार देखते थे क्या? अरे नहीं जी, सिर्फ फेस ही देखते थे, इमेज ही देखते थे, वो भी एक साइड। क्यों? क्योंकि दूसरे साइड तो सिल्वरिंग किया हुआ रहता था ना। तो लिखेंगे ये नहीं कुछ और। कि जो स्फेरिकल मिरर है ना वर्क ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आधार पर काम करता है सर। क्यों? क्योंकि जो कॉनकेव मिरर था और कॉन्वेक्स मिरर था स्फेरिकल मिरर में, याद कीजिए, या फिर प्लेन मिरर को उठाओ, तो इसमें लाइट रेज आता था, टकराता था और जाता था, यानी कि इंसिडेंट आई, टकराई और चली गई। लेकिन इसमें क्या स्फेरिकल लेंस में क्या आएगा, टकराएगा, चला जाएगा? नहीं, आर पर देखेगा, देख सकते हैं, क्लियर होता है। सेकंड चीज लिखेंगे कि स्फेरिकल लेंस वर्क ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि सर जो स्फेरिकल लेंस है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आधार पर, के सिद्धांत पर काम करेगा। एक चीज मैं तुझे और बताना चाहूंगा कि स्फेरिकल लेंस में टॉर्च मारेंगे तो इस साइड से उस साइड चला जाएगा ना। हाँ सर बिल्कुल चला जाएगा। अब बताना क्या चाह रहा है? यही कि लाइट तो चला गया है, लेकिन एक बात जान रहे हो क्या? यही कि जब लाइट रेज, चूंकि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन होता है जी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाना पसंद करता, लेकिन स्फेरिकल लेंस से टकराएगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बोलो किसका? लाइट रेज का। क्लियर? क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास टू एयर चला जाएगा ना, बीच में ग्लास लगेले है, इधर से मारेगा लाइट रेज उसके ऊपर, फिर इधर निकालेगा, तो ये एयर में आ गया ना, और पहले से ग्लास दिया हो तो मीडियम चेंज हो रहा है। ये थोड़ा सा जानकारी के लिए बता रहा है, ये सब हायर क्लासेस में पढ़ना, इसीलिए उसका डायरेक्शन चेंज हो गया इसका, लाइट रेज का। तो ये भी नोट में लिखेगा। यही कि व्हेन लाइट रेज पासेस थ्रू दी, जब वो पास करता है किसके सहारे से? एक स्फेरिकल लेंस के सहारे से। Then its direction is changed. तब उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर? क्लियर होता है। तो ये पॉइंट था जो अलग से मैं लिखाना पसंद किया हूं। तो ठीक है।
अभी ज्यादा टाइम है, लड़कन लोग भी बाहर बैठ कर रहा है, और भी अदर क्लासेस भी लेना है ना। तो ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, बने रहिए, लगातार कंटिन्यूअसली काम करते रहिए, बिकॉज वर्क इज वर्क, काम नहीं दम है। तो ठीक है, चलें, अभी इजाजत चाहेंगे, अलविदा।